प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करने आ रहे हैं। इसी के साथ श्री महाकाल लोक क्षेत्र विकास योजना के दूसरे चरण मृदा प्रोजेक्ट 2 का काम शुरू हो जाएगा। इसमें रुद्र सागर झील के गाद निकालने, कीचड़ साफ करने, उसे शिप्रा नदी से जोड़ने और रामघाट मार्ग का कायाकल्प करने सहित कई कार्य किए जाएंगे। सरकार ने ये कार्य वर्ष 2024 तक पूरे करने का लक्ष्य रखा है। इस चरण में ऐतिहासिक महाराजवाड़ा भवन को हेरिटेज के रूप में तैयार कर महाकाल मंदिर परिसर से जोड़ा जाएगा। पुराने अवशेषों का समावेश कर इस भवन का आंशिक उपयोग कुंभ संग्रहालय के रूप में भी किया जाएगा। विकास योजना के दूसरे चरण में मूलतः महाराजवाड़ा परिसर का विकास किया जाएगा। इसमें महाराजवाड़ा भवन, महाकाल मंदिर परिसर का एकीकरण करने के साथ सरकार स्थानीय कला और संस्कृति को दर्शाते हुए सांस्कृतिक हाट का निर्माण करेगी और फसाद ट्रीटमेंट के जरिए रामघाट की ओर जाने वाले पैदल मार्ग का कायाकल्प किया जाएगा। फेरी व ठेला व्यापारियों के लिए अलग व्यवस्था, वास्तु कलात्मक रूप में से गलियों का सौंदर्यीकरण, रामघाट पर सिंहस्थ थीम आधारित डायनेमिक लाइट शो तैयार किया जाएगा और इसके अलावा पार्किंग, धर्मशाला, प्रवचन हॉल और अन्य क्षेत्र का भी निर्माण होगा। वहीं इन पर काम भी शुरू हो गया है।